नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ, मॉम अपने फिटनेस के लिए टाइम निकालना चाहती तो है, लेकिन दिन के एंड में देखते हैं पूरा टाइम बच्चे, घर का काम या अपने जॉब के पीछे ही चला जाता है। इसलिए मैंने 21 डेज़ का ये चैलेंज लिया है, जिसमें मैं मॉर्निंग आवर्स में ही कैसे अपना 70% इम्पॉर्टेंट काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 21 डेज इंच लॉस एंड मेंटल वेलनेस चैलेंज का आपके साथ है मेरा डे 5। मैं मानती हूँ अगर दिन के कुछ इम्पॉर्टेंट काम हम सुबह ही कर लेना, और हर काम के लिए चाहे वो कितना ही छोटा हो उसका एक टाइम रहे और उसमें हम अपना रूटीन बना ले, तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। जैसे उठते ही मैं ब्रश करके फेस वॉश अप्लाई कर लेती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ, फेस पर SPF लगा रही हूँ तो आजकल SPF वाली लिप बाम भी यूज़ कर लेती हूँ। ये सब छोटी छोटी पर्सनल हाइजीन एंड स्किन केयर बेसिक्स ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब हम लॉन्ग रन पे इनके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। ये ना हमसे कभी कभार मिस भी हो जाता है, लेकिन जब हम रूटीन बना लेते हैं इनको करने का, तब ना अपने आप ही एक के बाद एक काम होता रहता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगता है। जब सुबह शांति का माहौल रहता है ना, तब मैं आराम से बैठकर 15 मिनट तक ये कॉपर वाले बॉटल में पानी पीती हूँ। इस बॉटल का हाफ पानी ना मैं रात को कभी कभार उठती हूँ तो पी लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है तब, और बाकी आधा पानी मतलब अराउंड 500 ml मैं उठते ही पी लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और अपने बालकनी का ये दरवाज़ा खोल के बाहर के सिनेरियो को कुछ देर तक एंजॉय कर लेती हूँ। दिमाग में बहुत सारा काम चलते तो रहता है कि क्या क्या करना है, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही सब ब्रेन से उड़ जाता है। इसलिए ना मैं एक टू डू लिस्ट ज़रूर बना लेती हूँ, ताकि मैं हर दिन मुझे क्या क्या करना है, किस टाइम पे मुझे क्या क्या करना है, सारे मेरे नोटेड रहे, और जब भी मुझे काम करना होता है तो वो मैं टू डू लिस्ट ज़रूर देख लेती हूँ, और ये भी चेक कर लेती हूँ कि कोई काम मुझसे मिस तो नहीं हो गया। और इसी टाइम ना मैं अपना फेवरेट बुक भी पढ़ना पसंद करती हूँ, कुछ मोटिवेशनल बुक हो तो वो मुझे पूरे दिन मोटिवेटेड रखने में भी हेल्प करता है। इसके बाद मेरा मेडिटेशन का टाइम हो जाता है, जो मैं 5 मिनट के लिए करती हूँ, और ये ना मैं जस्ट शुरू कर रही हूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अपना ध्यान 5 मिनट तक एक जगह पर रखना। इसीलिए मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर या फिर टिप ऑफ द नोज़ पर अपने ध्यान को टिकाए रखने का कोशिश करती हूँ। तो शांत वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अर्ली मॉर्निंग के लिए ये एकदम सूटेबल टाइम होता है। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। हमारे दिन भर में कितना सारा स्ट्रेस रहता है, घर के कामों से रिलेटेड, बाहर अगर आप वर्किंग हैं उनसे रिलेटेड, तो सारे स्ट्रेस को अगर हम अपने आप के अंदर जमा करते हैं ना और लेट गो नहीं करते हैं, तो वो हमारे सेहत पर बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है। तो इस सारे चीज़ों से हमें शांत रखता है मेडिटेशन करना। आप में से बहुत कोई जानना चाहते थे कि मैं वर्कआउट करने से पहले क्या खाती हूँ, तो मैं नींद से उठते ही नट्स खा लेती हूँ, कभी वॉलनट कभी आमंड भिगो के रखती हूँ, जिस दिन भिगोना भूल जाती हूँ उस दिन वॉलनट खा लेती हूँ, और ये देखिए ना मैं थोड़ा सा अदरक वाला पानी पीती हूँ ना सुबह, तो वही बच गया था, तो उसमें मैं ऐसे 4 स्कूप सत्तू मिलाकर वर्कआउट करने से पहले पी लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, क्योंकि मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग भी करती हूँ ना, तो कभी कभार मैं ऐसे ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर भूख लग जाती है और लगता है कि मैं एक्सरसाइज में अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, तब मैं ज़रूर अपना देसी प्रोटीन ड्रिंक यानी सत्तू पानी का ड्रिंक पी लेती हूँ। कभी भी मेन एक्सरसाइज करने से पहले मैं 5 मिनट तक वार्म अप या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर कर लेती हूँ। हर मसल्स को स्ट्रेच करना बॉडी के लिए एक विगरस एक्सरसाइज करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी में किसी तरह का पेन ना हो। आप देख रहे हैं मैं जिस तरह की मूवमेंट्स यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर बॉडी के सारे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग, थाई, कोर, चेस्ट, नेक, हैंड के सारे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो रहा है। तो आप ही एक्सरसाइज करने से पहले 5 मिनट ज़रूर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा। मेरा एक्सरसाइज का टाइम जनरली 8:30 से 9:30 बजे के बीच कम्प्लीट हो जाता है, और 20 मिनट्स में
कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ और इसमें जंपिंग मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न हो, जो इंच लॉस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और बर्पी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका फास्ट फैट बर्न का। अगर आपको जंपिंग बर्पी करने में पहले पहले दिक्कत होती है तो आप पहले नॉर्मल स्टैंडिंग बर्पी भी कर सकते हैं। फिर 20 मिनट्स में कोर की एक्सरसाइजेस करती हूँ जिनमें ऑलमोस्ट सेम ही एक्सरसाइजेस रिपीट करती हूँ। कभी नंबर इधर उधर हो जाता है या फिर कुछ एक्सरसाइज ऐड होता है, कुछ कम हो जाता है, जैसे प्लैंक करना, हाई प्लैंक। अगर नॉर्मल प्लैंक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हाई प्लैंक ज़रूर कर सकते हैं। प्लैंक के डिफरेंट वेरिएशन जैसे हाई प्लैंक टू लो प्लैंक या फिर शोल्डर टैप, क्रंचेस या फिर लेग रेजेस, फ्लटर किक्स, ये सारी एक्सरसाइजेस ना आपके लोअर बेली फैट को बर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अभी मैं कुछ टू डू लिस्ट लिख रही थी तो त्रियान हमारे बेडरूम में ही सो रहा था, वो दौड़ के आ गया। उसे पता है मम्मा भी उठ के क्या कर रही होंगी, तो वो मेरे पास आ गया। तो बस अब मेरा मी टाइम ख़त्म होता है, अब त्रियान टाइम शुरू होता है। और सुबह जब वो मेरे पास दौड़ के आता है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ थोड़ा देर मैं खेल लेती हूँ। और इसके बाद हम दोनों मिलके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं जिसकी ट्रेनिंग मैं उसे भी दे रही हूँ। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एक ऐसा आपका प्रैक्टिस है ना कि आपको सारे नेगेटिविटी से बहुत दूर रखेगा। आप अगर सुबह उठ के आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव है ना उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे और उन्होंने आपको ये नया दिन फिर से देखने का मौका कर दिया उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, तब आप देखेंगे ना कि पूरे दिन में जो नेगेटिव है, जो चीज़ आप नहीं कर पाई या आपसे अचीव नहीं हो पाया, उसका दुख आप में और नहीं रहने वाला है। तो इसी टाइम उठ के मैं और त्रियान कुछ प्रेयर्स बोलते हैं और भगवान जी को थैंक यू भी कर लेते हैं। त्रियान का ना थोड़ा सा स्टमक अपसेट हुआ था इसीलिए मैं उसे आज दही चूड़ा खिला रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है। वो ना नॉर्मली दही चूड़ा ऐसे ही खा लेता है, उसे मीठा दही उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो खाना नहीं चाहेगा इसीलिए साइड में मैंने गुड़ लिया है। और अभी मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया क्योंकि उसको खिलाने के वक्त ना सारे चीज़ थोड़े मेसी हो जाते हैं और वो एकदम से ही पहले खाना नहीं चाहता है। फर्स्ट जो निवाला होता है ना वो लेने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कुछ खाना नहीं चाहता है। तो मैं उसे पहले गुड़ टेस्ट करवा रही थी कि अगर थोड़ा थोड़ा मीठा उसे अच्छा लगा तब वो शायद खा सकेगा, मतलब वो खा ही लेता है। पहले वाले बाइट में उसको प्रॉब्लम होता है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके घर में भी बेबीज़ है, टॉडलर है, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा टास्क है हम मम्मी के लिए। आज उसे गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो वो गुड़ लगा के मैं उसको खिला रही थी ना, तो फाइनली उसने खाना एक्सेप्ट किया। तो पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये नॉर्मल दही चूड़ा ही है तब उसने खाया। नहीं तो उसको पहले विश्वास दिलाने में ही टाइम लग जाता है कि ये जो खाना मैं लाई हूँ ये आपका फेवरेट खाना है। फिर मैंने उसे बोला कि लीजिए आप खुद खाइए, तो मैंने ना एक बोल में भी उसको लेके दिया था उसके स्पून के साथ। तो जब उसने खुद थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि हाँ खाना टेस्ट है, इसे खाया जा सकता है, तो उसने खा लिया। तो उसको खिलाने के बाद अब बारी आती है मेरी ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन की। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो आप झट से 5 मिनट में अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन होने के कारण ना ये आपको बहुत देर तक फुल रखने वाला है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर आप एग की जगह बेसन या फिर सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पनीर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है तो मैं शाम को भी पनीर लेती हूँ, इसीलिए मैंने सुबह ही अंडे का यूज़ किया। 2 अंडा लिया मैंने, यहाँ पर 2 स्कूप सूजी लिया और थोड़ा सा नमक लिया। अब सारे चीज़ों को मैंने ना अच्छे से फेंट लिया है। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा विस्क करोगे या फिर फेंट लोगे ना तो आपका जो ये सूजी वाला ऑमलेट है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनने वाला है। और फिर मेरे घर में जो सारे वेजिटेबल्स थे वही मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया, जैसे प्याज, कैप्सिकम, मिर्चा और थोड़ा सा धनिया पत्ता। आप चाहते हो यहाँ पर गाजर भी ग्रेट करके दे सकते हैं। मैं लंच में गाजर खाती हूँ ग्रेटेड, इसीलिए मैंने अभी स्किप कर लिया। और इसे ढक के मैंने 10 मिनट तक साइड में रखा था ताकि जो एग को ना सूजी अब्सॉर्ब कर ले। अब फ्राइंग पैन में ना पहले से ही ऑयल में कुछ बना हुआ था तो उसी को मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया। आप देखोगे फ्राइंग पैन में कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं है और उसी में मैंने इस ऑमलेट को अच्छे से फैला लिया लो टू मीडियम फ्लेम में। आप इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक कुक कर लीजिएगा और जब देखिएगा कि ना आपका जो स्पैचुला है वो नीचे से अलग
से छूट जा रहा है आपकी ऑमलेट, तब आप देख लीजिएगा ये अच्छे से कुक हो गया है। मैंने थोड़ा कम भी इसे कुक कर ली थी तो चल जाता, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी तो एक साइड थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। मैंने थोड़े से दही के साथ इसे सर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो थोड़ा सा ना मैंने वेजिटेबल्स को भी सॉटे कर लिया था, कुछ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह बचे हुए थे फ्रिज में, तो उसको मैंने सॉटे करके इसके साथ खा लिया। और प्लेट में थोड़ा हेवी लग रहा था, इसलिए मैंने प्लेट चेंज करके स्टील का प्लेट यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो सुबह के 11:30 बजे तक ही मैंने दिन का कितना सारा काम, इम्पॉर्टेंट काम जो है कंप्लीट कर लिया। मेरी रूटीन ऑलमोस्ट मॉर्निंग की यही रहती है, कभी कुछ काम इधर उधर टाइमिंग का हो जाता है बस, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए अपने फिटनेस के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए और अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाल पाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो इससे अगर आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिलती है अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए दिन में थोड़ा भी टाइम निकालने का, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।